खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां मुख्य विकास अधिकारी ने विकास खंड अगस्त्य मुनि के कई विद्यालयों के साथ जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान का भी औचक निरीक्षण किया। इस दौरान शिक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया और स्कूलों में मध्यान्ह भोजन की गुणवत्ता का जायजा लेते हुए संबंधित प्रधानाध्यापक और भोजन माताओं को निर्देश दिए। राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के विज्ञान प्रयोगशाला के निरीक्षण के दौरान उन्होंने पाया कि प्रयोगशाला का रखरखाव ठीक ढंग से नहीं किया जा रहा है, जिस पर उन्होंने संबंधित शिक्षक को एक सप्ताह के भीतर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। इसके अलावा राजकीय इंटर कॉलेज के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि प्रभावी प्रधानाचार्य बिना अवकाश स्वीकृत कराए ही अवकाश पर हैं, जिस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए प्रधानाचार्य का वेतन रोकने के निर्देश दिए। वहीं मुख्य शिक्षा अधिकारी प्रमेंद्र कुमार बिष्ट ने उपस्थित शिक्षकों से कहा कि बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं, सुनहरे भविष्य के लिए शिक्षा की गुणवत्ता पर सभी को विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट।